नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया वन पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा कार डीलरशिप के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप महिंद्रा कार की डीलरशिप ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, और दोस्तों आपको इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर कंपनी द्वारा प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया जाता है या किस तरह दिया जाता है। दोस्तों, ये सभी बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा कंपनी के बारे में। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 1945 में मोहम्मद और महिंद्रा के रूप में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। यह भारत में सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है। और दोस्तों, भारतीय बाजार में इस कंपनी के प्रमुख प्रतियोगियों में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है, और आज ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस कर रही है। और आज इस कंपनी के बहुत सी एजेंसियां हैं और बहुत से डीलर हैं जो कंपनी के व्हीकल को कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन यदि महिंद्रा कार डीलरशिप लेना चाहता है तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप महिंद्रा कार डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर दोस्तों आप महिंद्रा का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी आपके पास 50 से 60 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और आपके पास प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, यानी आपके पास अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए, और दोस्तों इसी के साथ आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसी के साथ आपके पास 3 या 4 वर्कर होने चाहिए, और आपको गाड़ियों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति महिंद्रा कंपनी की डीलरशिप लेना चाहता है तो उसके पास ये सभी चीजें होनी चाहिए, तभी वह महिंद्रा कंपनी की डीलरशिप ले सकता है और अपने एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकता है। और अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप महिंद्रा कार कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और एजेंसी पर डिपेंड करेगी। अगर दोस्तों आपके पास खुद की जमीन है तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जमीन किराए की ले रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी बात एजेंसी की, अगर आप कंपनी की बड़ी एजेंसी शुरू करते हैं जिसके अंदर आप सर्विस की फैसिलिटी भी देंगे और स्पेयर पार्ट की फैसिलिटी भी देंगे, तो आपको इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप कंपनी की ओनली कार सेलिंग की एजेंसी लेते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। और इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी इस्टेब्लिश करनी है और कुछ वर्कर हायर करने पड़ते हैं और कुछ फीस कंपनी को देनी पड़ती है। इन सभी चीजों के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें आपको कंपनी को सिक्योरिटी फी देनी पड़ती है, कम से कम 10 से 20 लाख रुपए के बीच कंपनी सिक्योरिटी फी लेती है। इसके बाद आपको अपनी एजेंसी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है और अपने कुछ वर्कर हायर करने पड़ते हैं और कुछ इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 50 से 60 लाख रुपए है तो आप महिंद्रा कार डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, आपका पहला कार स्टॉक और स्पेयर पार्ट स्टॉक आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा स्टॉक रखना चाहते हैं या कितना छोटा स्टॉक रखना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप शुरू में कम कारों के साथ ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और जब आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप सर्विस की फैसिलिटी और स्पेयर पार्ट की फैसिलिटी देना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह हम आपको बता दें, हमने आपको एक राउंड फिगर कॉस्ट बता दी है कि लगभग आपको इस बिजनेस के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और वो इन्वेस्टमेंट आपको कंपनी से पता चलेगी। इसके लिए दोस्तों आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कंपनी का टोल फ्री नंबर ले सकते हैं और कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप महिंद्रा कार डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जमीन आपकी एजेंसी पर डिपेंड करती है। अगर आप बड़ी एजेंसी शुरू करते हैं उसके अंदर आप सर्विस की और स्पेयर पार्ट की फैसिलिटी भी देते हैं
तो आपको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंपनी की छोटी एजेंसी शुरू करते हैं जिसके अंदर आप केवल कार सेलिंग करेंगे, तो आपको इसमें कम जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक नॉर्मल सी एजेंसी शुरू करते हैं जिसके अंदर आप कार सेलिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक शोरूम बनाना होगा जहां पर आप कारों को खड़ा कर सकते हैं, और एक स्टोर बनाना होगा जहां पर आपको कारों के स्पेयर पार्ट रखने पड़ेंगे। और दोस्तों आपको कुछ अपना वर्किंग एरिया चाहिए होगा और कुछ कस्टमरों के लिए बैठने के लिए एरिया चाहिए होगा। इन सभी चीजों के लिए अलग अलग जमीन की जरूरत होगी। और दोस्तों इसी के साथ आप अपनी एजेंसी एस्टेब्लिश करेंगे 1500 से 2000 स्क्वेयर फीट के अंदर। उसके बाद आप अपना एक स्टोर एस्टेब्लिश करेंगे कम से कम 500 से 700 स्क्वेयर फीट के अंदर, और आप अपना वर्किंग एरिया रखेंगे कम से कम 300 से 400 स्क्वेयर फीट के अंदर। इन सभी चीजों को मिलाकर यदि आपके पास 4000 से 5000 स्क्वेयर फीट जमीन है, तो आप महिंद्रा कार की एजेंसी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, यदि आप कंपनी को सर्विस की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको सर्विस के लिए अलग एरिया रखना पड़ेगा और अलग से पार्किंग एरिया रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोस्तों आप यह बिजनेस नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। पहले सिर्फ आप कार सेलिंग का बिजनेस शुरू करें, उसके बाद आप स्पेयर पार्ट और सर्विस की फैसिलिटी भी देना शुरू करें। और अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप महिंद्रा कार एजेंसी लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करती है और आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट भी देखती है। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कंपनी से पता चल जाएंगे, और जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, और इसी के साथ आपके पास अपने कुछ फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और अपना खुद का फोन नंबर होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आपके पास एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों यदि आप महिंद्रा कार की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और साथ में आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इस कंपनी की एजेंसी लेकर अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप महिंद्रा कार की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप महिंद्रा कार एजेंसी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए कंपनी के इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी, तो आपकी बात कंपनी के डिपार्टमेंट से होगी। वो जो जानकारी आपसे पूछेंगे, आपको सारी जानकारी उनको देनी है, फिर वो कंपनी से ही आपका आवेदन कर देंगे, और उसके बाद आकर आपकी लोकेशन देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको एजेंसी मिलेगी या नहीं। दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप महिंद्रा कार की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर कंपनी द्वारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरह दिया जाता है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट आपको कार के हिसाब से और इक्विपमेंट के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत सी कारों का प्रोडक्शन करती है, जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 5W, महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बलेरो, महिंद्रा मार्जो, महिंद्रा अल्टुरस G4, महिंद्रा XUV 100, ये सभी मॉडलों की कंपनी प्रोडक्शन करती है, और इन सभी मॉडलों पर अलग अलग हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, पर लगभग इसमें आपको 8 से 9% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप कंपनी से टोल फ्री नंबर पर बात करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और महिंद्रा कार की डीलरशिप लेकर अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारी वीडियो महिंद्रा कार डीलरशिप की जानकारी पसंद आई है या कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू सो मच।